आओ मेरे फिल्मी भूतो, सब्सक्राइब करो रिव्यू विद अक्की को मूवीज और कंटेंट की डीप नॉलेज के लिए। स्टोरी नहीं, स्टोरी तो आईएएस ऑफिसर वाली पहले बहुत बार आ चुकी है 9.1 रेटिंग में। एक्टिंग माइट बी, बट एक्टिंग सिर्फ एक फैक्टर नहीं हो सकता 9.1 रेटिंग का एमडीबी के ऊपर, तो फिर क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से रिव्यू विद अक्की के एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे टीवीएफ के शो एस्पिरेंट्स के बारे में। हाँ हाँ, मालूम है कि शो बहुत अच्छा है, आईएमडीबी के ऊपर 9.1 रेटिंग है, तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो और मेरे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि शो अच्छा है कि नहीं, वो तो सबको पता है कि शो बहुत अच्छा है और मोस्ट ऑफ दी लोगों ने ये शो ऑलरेडी देख चुका है, तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आईएमडीबी पे ऑलरेडी 9.1 की रेटिंग है। मुद्दा यहाँ पर ये है कि वो क्या है जो इस शो को एक अच्छे शो से कल्ट बनाता है। 2.71 लाख लोगों के वोटिंग करने के बाद इस शो की रेटिंग आईएमडीबी के ऊपर 9.1 की है। और वो क्या है इस शो के अंदर कि इस शो की वजह से टीवीएफ के यूट्यूब के ऊपर 10 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए। और ना ही सिर्फ ये शो बल्कि टीवीएफ के मोस्ट ऑफ दी शो, पिक्चर्स, पंचायत और भी बहुत सारे शो जिनको हमारे थ्रू इतना प्यार मिला है। क्या है, क्या है ऐसा, उसी के बारे में करेंगे आज बात। जय भोलेनाथ। ये कहानी है यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए बच्चों की। मेरी बात करूं तो मैंने कभी आईएएस ऑफिसर बनने की दूर दूर तक अपने सपनों में नहीं सोची, ना ही मेरे घर वालों ने मुझे कभी बोला कि तू आईएएस ऑफिसर बन जा, क्योंकि पता होता है ना अपना आदमी क्या कर पाएगा या क्या नहीं। मेरा दूर दूर तक भी यूपीएससी के एग्जाम से कहीं से भी कोई नाता नहीं था, बट स्टिल आई वॉज एबल टू बी कनेक्टेड विद दिस शो, क्योंकि एक्चुअल में ये कहानी आईएएस ऑफिसर बनने की है ही नहीं। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कहानी है लाइफ लेसंस की और उन सब बातों की जिनसे हर एक नॉर्मल आदमी आसानी से कनेक्ट कर सकता है। अब डीप डाइव करते हैं फैक्ट्स में कि कैसे बिना किसी एक्शन और ड्रामा के और ना ही किसी बिना बड़े बजट के ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया और लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया। पहली चीज है डिटेलिंग, जो कि ना ही सिर्फ इस शो में बल्कि टीवीएफ के हर शो में आपको भर भर के मिलेगी। ऑल्दो हम लोग फास्ट पेस कंटेंट देखना आजकल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और टिकटॉक की दुनिया में आने के बाद तो पेशेंस लेवल मतलब बिल्कुल चरमरा सा ही गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप किसी भी कल्ट शो या मूवी को उठा लीजिए, बिना डिटेलिंग आप उसके साथ कभी कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर के पार्ट 2 को बहुत ज्यादा एंगेजिंग बताया गया और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग बताया गया कंपेयर टू दी पार्ट 1, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट पेसिंग था और वायलेंस भी उसमें काफी ज्यादा था। बट द रियल फैक्ट इज दैट क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमको डिटेलिंग दिखाई गई थी, हम हर एक कैरेक्टर से सही तरीके से कनेक्ट कर पाए थे, इसलिए जाकर के हमको पार्ट 2 इतना पसंद आया। अदरवाइज पार्ट 2 मस्ट हैव बीन एन अनदर एक्शन मसाला मूवी। और वहीं पर टीवीएफ की ये खासियत है कि डिटेलिंग तो भैया इनके पास मतलब एकदम थैला भर के रहती है, और इसकी डिटेलिंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं जहां पर मेजोरिटी ऑफ द सीन्स शो के अंदर यूपीएससी की प्रिपरेशन के हैं, जो कि लोग सितंबर या अगस्त ऑनवर्ड से स्टार्ट कर देते हैं। आपको हर एक कैरेक्टर्स विंटर वियर में नजर आएंगे, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है जो कि हर साल जून के अंदर कंडक्ट होता है, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि वहां पर कैरेक्टर्स समर वियर के अंदर मिलते हैं। अब ये चीज वैसे तो बहुत ज्यादा माइन्यूट है और कोई भी डायरेक्टर इसको आसानी से इग्नोर कर सकता है, बट एट द सेम टाइम टीवीएफ इज द प्लेटफॉर्म जहां पर डिटेलिंग्स को भगवान माना जाता है। दूसरी बड़ी चीज जो इस शो को खास से बहुत ज्यादा खास बनाती है वो है स्टोरी टेलिंग। अगर आप गौर करें तो एस्पिरेंट्स कोई बहुत ज्यादा यूनिक या बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी नहीं है। ऐसी कई सारी मूवीज हमने पहले भी कई बार देखी और ऐसे कई सारे मोटिवेशनल हजारों कोट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेहनत करो सफलता मिलेगी, फोकस इज द ओनली की टू सक्सेस, जीतने की कोशिश अंत तक करते रहना ही जीतना है, ऐसे कई सारे हजारों कोट्स हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। बट वो क्या है कि ये सारे कोट्स हमें शो के अंदर बहुत ज्यादा नए दिखते हैं, और वो क्या चीज है जिसकी वजह से हम एक्चुअल में इन कोट्स के ऊपर कन्विंस हो पाते हैं, तो वो है स्टोरी टेलिंग, जहां पर सीन्स पास्ट और प्रेजेंट के अंदर फ्लिप करते रहते हैं, जहां पर स्टोरी में स्टार्टिंग में ही काफी ज्यादा सस्पेंस बिल्ड कर दिया जाता है और जिसके जवाब हमें लास्ट में जाते जाते मिलते हैं। जैसे गुरी और अभिलाष के बीच क्या हुआ था और धैर्य और अभिलाष का ब्रेकअप क्यों हुआ था, क्या यहाँ पर संदीप भैया आईएएस ऑफिसर बन पाए, और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अभिलाष फेल होने के बाद भी आईएएस ऑफिसर कैसे बन गया। और अनलाइक अदर शोज, अगर टीवीएफ में आप एक चीज नोटिस करें इनके हर शोज के अंदर, तो इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है, यहां पर हर एक एपिसोड की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, जहां पर हर एक शो के अंदर एक टॉपिक होता है या उससे रिलेटेड उसे प्रॉब्लम होती है और जिसका सॉल्यूशन हमें एपिसोड के एंड में जाते-जाते मिलता है, और यही बात इसके हर एक एपिसोड को बहुत ज्यादा खास बनाती है। तीसरी जो बड़ी यूएसपी है वो ना ही सिर्फ इस शो की बल्कि टीवीएफ के हर शो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, और वो है ग्राउंड रियलिटी। छोटे छोटे मोमेंट्स, चाहे वो दोस्तों के साथ चाय पीना हो या फिर दारू के ऊपर चर्चा या फिर छत पे खड़े होकर के रात को सुट्टा फूंकना, ये वो मोमेंट्स हैं जो हर एक बैचलर की लाइफ में कभी ना कभी कहीं आए हुए होते हैं,
और जब हम ये मोमेंट्स अपने सामने देख रहे होते हैं उसी तरीके से, तो हम लोग इनसे एक्चुअल में कनेक्ट कर पाते हैं और उस चीज को फील कर पाते हैं, काश मैं भी यहाँ पर होता और इन चीजों को एंजॉय कर रहा होता। सैड सीन्स के अंदर तुमने काफी सारे हीरोइन या हीरोइन को बस या ट्रेन के अंदर ट्रैवल तो करते हुए देखा ही होगा, जहाँ पर हीरो के पीछे काफी ड्रामेटिक म्यूजिक यूज किया जाता है, ट्रेन उसके सामने आकर के रुकती है और हीरो काफी ज्यादा स्टाइल में उस ट्रेन के अंदर घुस जाता है। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? एक्चुअल में जब दो भारी भरकम बैग के साथ तुम बस का इंतजार कर रहे होते हो तो बस तुमसे 5 कदम की दूरी पर ही रुकती है, तब तुम दोनों बैगों को ढो करके बस के अंदर चढ़ते हो और लिटरली तब सीट भी नहीं मिलती है और ऊपर से इतना बड़ा सपना टूटने का दुख, इसको कहते हैं रियलिटी जो टीवीएफ के शोज में देखने के लिए मिलती है। इन सब चीजों के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस शो को खास से बहुत खास बनाते हैं, जैसे कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, कैरेक्टर्स की एक्टिंग विच वॉज रियली ऑसम। अगर अभी तक तुमने ये शो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, 5 एपिसोड है, 40 से 45 मिनट करके मस्ट वॉच है, जाकर के देख लो। वीडियो अगर यहां तक देख चुके हो तो पसंद आई होगी, इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लेटेस्ट कंटेंट रिव्यूज और बॉलीवुड से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग बातें आपके लिए लाते रहे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि हमारा वादा है मूवी दमदार हो ना हो रिव्यू जरूर होगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में किसी मूवी रिव्यू के साथ या फिर बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।